ओके। आप देखो एक क्वेश्चन नंबर 10, इस टाइप का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग मॉर्टेलिटी रेट्स हैव बीन ऑब्जर्व फॉर स्पेशल टाइप ऑफ लाइट बल्ब्स मंथ। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना आप लोग, इसको क्या हम लोग एनालाइज करेंगे जो यह टेबल गिवन है। वन मंथ में फेल होने का चांसेस 10% है। जितने भी हमारे पास बल्ब हैं उस बल्ब से में से 10% फर्स्ट यानी कि वन मंथ में फेल हो जाएगा। यहां 2 मंथ का दिया हुआ 25%, 2 महीने तक में 25% फेल हो जाएगा। बट अगर मैं इंडिविजुअल मंथ की बात करूं, फर्स्ट मंथ में तो 10% हो जाएगा, सेकेंड मंथ में कितना होगा? 1 मंथ में 10% है, 1 मंथ में 10%, दिस इज द फर्स्ट मंथ 10%, एंड 2 मंथ में दिया हुआ 25%, एंड इंडिविजुअली सेकेंड मंथ में कितना फेल हुआ होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट बिना किए हुए नहीं कर सकते हैं। तो हमें इंडिविजुअल मंथ का ये क्यूमुलेटिव दिया हुआ है। देखोगे 3 मंथ में तक में 50% फेल हो जाएंगे, 4th मंथ तक में 80% फेल हो जाएंगे, और 5 महीने तक में हमारे पास 100% फेल हो जाएगा। मतलब उस बल्ब की लाइफ 5 महीने से ज्यादा नहीं है, 5 महीने से ज्यादा नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है, तो इंडिविजुअल मंथ में फेल अलग अलग हो जाएगा। फर्स्ट मंथ में फेल होने का 10%, सेकेंड मंथ में 15% हो जाएगा, 25 माइनस 10 15%, थर्ड मंथ में 50% में से 25% माइनस करेंगे, हमारा 25% आएगा। फोर्थ मंथ में 80 में से 50 माइनस करेंगे, 30% फोर्थ मंथ में होगा, एंड फिफ्थ मंथ में 100 में से 80 माइनस करेंगे, 20% फेल होगा। दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस टेबल। अब कहता है कि एन इंडस्ट्रियल यूनिट देयर आर 100 स्पेशल टाइप ऑफ बल्ब इन यूज, 1000 स्पेशल बल्ब यूज में है। इट कॉस्ट रुपीज 10 रुपीज टू रिप्लेस एन इंडिविजुअल बल्ब। अगर अकेला एक बल्ब मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरा 10 रुपए का कॉस्ट आता है। विच हैज बर्न आउट, मतलब जो फेल हो चुका है, जो खराब हो चुका है, फेल्ड हो चुका है। इफ ऑल बल्ब वर रिप्लेस साइमल्टेनियसली इट वुड कॉस्ट ₹250 पर बल्ब। कहता है कि अगर सारा का सारा बल्ब एक बार रिप्लेस करते हो तो आपको ₹250 पर बल्ब का आपको कॉस्ट पड़ता है। इट इज प्रपोज टू रिप्लेस ऑल द बल्ब एट फिक्स इंटरवल। मान लिया जाए कि अगर प्रपोजल है कि फिक्स टाइम इंटरवल पर हमें सारे बल्ब रिप्लेस करना चाहिए। अब यहाँ वर्ड है फिक्स्ड इंटरवल, मतलब हर महीने रिप्लेस करें या हर 2 महीने के अंतराल पर रिप्लेस करें या हर 3 महीने के अंतराल पर रिप्लेस करें। अब देखोगे जरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, वहां पे टाइम इंटरवल भी हमने फाइंड आउट किया था, वही कंसेप्ट दोबारा यहाँ पे भी यूज होंगे। वेदर और नॉट दे हैव बर्न आउट, चाहे वो फेल हुआ हो या नहीं फेल हुआ हो, एंड कंटिन्यू रिप्लेसिंग बर्नआउट बल्ब एज दे फेल। और कंटिन्यू क्या है, रिप्लेस करेगा, जो फेल हो रहा है वो तो रिप्लेस करना ही करना होगा, रिप्लेस करना ही होगा। अब कहता है कि एट व्हाट इंटरवल द टाइम मैनेजर शुड रिप्लेस द बल्ब, कितने समय के अंतराल पर इस मशीन सॉरी बल्ब को
सारे बल्ब को रिप्लेस किया जाए। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दें, विच इज द बेटर, विच इज बेटर पॉलिसी, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट और ग्रुप रिप्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में मैं ऐड ऑन किया हूं, विच इज बेटर पॉलिसी, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी और ए ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी, यह मैंने क्वेश्चन में ऐड किया है। अब यहां पे देखोगे, मैंने कहा कि अगर आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, यहां पे मैंने कहा कि अगर मैं ग्रुप रिप्लेसमेंट करूंगा हर महीने के अंतराल पे या हर 2 महीने के अंतराल पे, हमारे पास 1000 बल्ब है। अब मान लिया कि 1 जनवरी को मैंने 1000 बल्ब लगाए और हर महीने मैं उसको रिप्लेस करूंगा, तो मैं 31 जनवरी को मैं रिप्लेस करूंगा सारा बल्ब को। लेकिन 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में जो इंडिविजुअल फेल होगा उसको रिप्लेस करेंगे या नहीं करेंगे, यह क्वेश्चन अराइज होता है। बोलो, अगर मैं मेरा कहने का क्वेश्चन यहां पे आ रहा है कि अगर मैं 1 जनवरी को 1000 बल्ब लगाया और मैं मान लिया जाए कि हमने हर महीने मैं इस बल्ब को रिप्लेस करूंगा सारे बल्ब को, दिस इज द ग्रुप रिप्लेसमेंट, सारे बल्ब को मैं रिप्लेस करूंगा, तो मान लिया जाए कि अगर हर महीने मैं रिप्लेस करूंगा तो 1 जनवरी को मैंने लगाया और 31 जनवरी को मैं सारे बल्ब को रिप्लेस कर दूंगा, तो इस 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में बल्ब कोई फेल किया तो उसको रिप्लेस होगा कि नहीं होगा, कि वहां पे मैं अंधेरा ही छोड़ दूं। मान लिया किसी एक मशीन पे बल्ब लगा हुआ वो फ्यूज कर गया, फेल कर गया, अब बताइए वो बल्ब रिप्लेस होगा या नहीं होगा उस पीरियड के समय, आप लोग आंसर दीजिए। होगा, अगर यह रिप्लेस होगा तो वह इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट है तो अगर मैं ग्रुप रिप्लेसमेंट करूंगा तो इंडिविजुअली अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होगा तो वहां पे उस पीरियड के इंटरवल में इंडिविजुअल जो जो बल्ब फेल करेंगे वह भी इंक्लूड होगा। क्लियर है यहां पे सभी को? जिस तरीके से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अगर कोई भी मशीन इंडिविजुअली ब्रेकडाउन करता था उसे भी हम कॉस्ट में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ऐड ऑन कर देते, तो सिर्फ ब्रेकडाउन होता था तो उसके लिए अलग होता था, अगर प्रिवेंटिव है तो उसमें ब्रेकडाउन भी इंक्लूड होता है। इसी तरीके से अगर मैं इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करूंगा, जब फेल होगा तभी मैं रिप्लेस करूंगा, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट है तो अलग केस हो गया, लेकिन अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट होगा तो उस केसेस में ग्रुप रिप्लेसमेंट का टाइम इंटरवल के दौरान इंडिविजुअली जो भी बल्ब फेल करेगा वह भी हमें उसकी कॉस्ट, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट हमें ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलो अब आते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहला हम लोग लेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर मंथ रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर मंथ इफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज कंसीडर्ड। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी कंसीडर करते हैं। हमारे पास मंथ दिया हुआ है, उसके साथ परसेंटेज। परसेंटेज कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, परसेंट प्रोबेबिलिटी को हम लोग परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पे परसेंटेज ले लेंगे। किसके किसके रूप में लेंगे? प्रोबेबिलिटी के रूप में ले लेंगे। चलिए, मंथ हमारे पास दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। प्रोबेबिलिटी दी हुई, प्रोबेबिलिटी हमारे पास दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है? फर्स्ट मंथ में कितना है? 10%, 0.10। सेकेंड मंथ में कितना है हमारे पास? देखोगे सेकेंड मंथ में आपका 2 मंथ में 25% है, तो सेकेंड मंथ में 15%, 0.15 माइनस करते चलेंगे। थर्ड मंथ में हमारे पास क्या है? 50% माइनस 25%, 0.25। फोर्थ मंथ में 30% और फिफ्थ मंथ में 20%, ये हमारे पास गिवन है। अब देखोगे डेटा आपके पास गिवन है, मंथ और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, मंथ और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। अगर मंथ और प्रोबेबिलिटी गिवन है तो उस केसेस में हम लोग क्या कह सकते हैं? एवरेज मंथ निकालेंगे, एवरेज मंथ ऑफ फेलियर ऑफ ए बल्ब। एक बल्ब को ऑन एवरेज कितने मंथ में फेल होगा यह निकालना है। समेशन एक्स इंटू पी एक्स, मैंने कहा था कि मंथ को एक्स मान लेंगे और प्रोबेबिलिटी को पी एक्स मानेंगे, तो एक्स इंटू पी एक्स कितना हो जाएगा? 0.10, 0.30, 0.75, 1.20, 1। समेशन एक्स पी एक्स, बताए रिजल्ट क्या आ रहा है? आप लोग बताएंगे फटाफट जल्दी से, कैलकुलेशन करके बताइए कितना आ रहा है। कैलकुलेट करके बताइए फटाफट जल्दी से। चलिए बिल्कुल सही है, 3.35 मंथ। यानी हमारे पास इक्वल टू 3.35 मंथ, यानी हमारे पास 3.35 मंथ आ गया। नंबर ऑफ बल्ब फेल्ड इन वन मंथ, वन मंथ में कितने बल्ब फेल होंगे?
एक बल्ब का तो फेल 3.35 बाई इंटू 1000 करेंगे, टोटल हमारे पास बल्ब 1000 है, और एक बल्ब का कॉस्ट कितना है, 10 रुपया है, चेक करोगे क्वेश्चन में, तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, पर मंथ हमारे पास दिया हुआ है 10 रुपये पर बल्ब है, 1/3.35 इंटू 1000 इंटू 10 रुपीज, कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है, टू नाइन एट फाइव अप्रोक्सीमेटली ही आ रहा है सभी का, 2985.075, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लेकिन इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अलावा भी हमें निकालना है क्योंकि हमें पॉलिसी बनानी है, तो अगला हमारे पास होगा ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी में क्या है, सबसे पहला हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मैं ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर्म कर रहा हूँ तो वहाँ पे इंटरवल भी डिसाइड करना है कि कितने टाइम इंटरवल पे है हमें रिप्लेस करना चाहिए, या 1 मंथ के इंटरवल पे, या 2 मंथ के इंटरवल पे, या 3 मंथ के इंटरवल पे, या 4 मंथ के इंटरवल पे, या 5 मंथ के इंटरवल पे। 6 मंथ तो होगा नहीं क्योंकि टोटल लाइफ उसकी 5 महीने से ज़्यादा नहीं है, तो इस केसेस में हमें टाइम इंटरवल पता करना है, तो उस टाइम इंटरवल में जो इंडिविजुअल बल्ब फेल करेंगे उसे भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बल्ब फेल्ड इंडिविजुअली। सबसे पहला नंबर ऑफ बल्ब फेल्ड इन फर्स्ट मंथ, नंबर ऑफ बल्ब फेल्ड इन फर्स्ट मंथ आपके पास 1000 बल्ब है और फर्स्ट मंथ में फेल होने का चांसेस 10% है, तो 100 बल्ब फेल करेंगे। नंबर ऑफ बल्ब फेल्ड इन इन सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ कितना हो जाएगा, 1000 का कितना परसेंट है, 1000 का कितना परसेंट आएगा, देखोगे 15% है ना, 1000 का 15%। लेकिन पिछले महीने 100 बल्ब फेल हुआ और आपने लगाया, नया ले आकर लगा दिया, क्या इस 100 में से फेल करेगा या नहीं करेगा, फेल करे कर सकता है। तो अगर मैंने पिछले महीने लगाया, फर्स्ट मंथ में 100 बल्ब फेल हुए और मैंने नया ले आकर लगा दिया वहाँ, क्या वो 100 बल्ब की लाइफ, अगले मंथ हमारे पास 1 मंथ हुआ, इस 100 बल्ब का नेक्स्ट मंथ फेल होने का चांस होगा कि नहीं होगा, होगा। इसीलिए हमें इस 100 बल्ब का कितना लेना पड़ेगा, 100 बल्ब का 10%, 1.10, तो कितना जाएगा, 150 प्लस 10, सेकेंड मंथ में 160 बल्ब फेल होंगे। बताइए किसी को इस पॉइंट पे डाउट है तो बोलोगे जरा, इस पॉइंट पे किसी को डाउट है तो बताओ जरा आप लोग, जल्दी जवाब देना आप लोग जरा, कुछ लोगों को बहुत जल्दी है, मैसेज आया था कि हरी अप, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब से थर्ड मंथ निकाल के आप लोगों मुझे को मेरे को भेजिए आप मैसेज,
आप लोग भेजिए, थर्ड मंथ कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ बल्ब, आप लोग भी कैलकुलेट करते चले नंबर ऑफ बल्ब फेल्ड इन थर्ड मंथ 1000 का कितना परसेंट हो जाएगा, थर्ड मंथ में आपका 25% है 0.25 प्लस पिछले महीने 160 बल्ब फेल हुए तो 160 का 10% और उससे पिछले महीने 100 बल्ब थे 100 का 15% हो जाएगा क्योंकि टाइम इंटरवल 2 मंथ हो गया। कैलकुलेट करिए फटाफट कितना आएगा, 250 प्लस 16 प्लस 15 इज इक्वल टू 281, सबका ही आ रहा है। मीनू सिंह आपका वर्णिका आपका गलत आ रहा है, 267.5 आ रहा है, गलत है वहां पे। अनुज आपका ठीक है, वर्णिका आप करेक्ट करिए उसको, देखिए चलिए करेक्ट कर लीजिए उसको। अब आगे आते हैं, फोर्थ मंथ नंबर ऑफ बल्ब फेल्ड, फोर्थ मंथ में 1000 इंटू फोर्थ मंथ का फेल होने चांसेस 30% 0.30 प्लस यानी पिछले महीने 281 का 10% 0.10 प्लस इससे पिछले महीने 160 है 160 का 15% प्लस 100 उससे पिछले कितने महीने हो गया, 3 महीने में थर्ड मंथ में फेल होने का चांसेस 25% है 0.25 300 प्लस 28.1 प्लस 24 प्लस 25 377.1 इसको हमने अप्रोक्स ले लिया 377। बोले सभी का ही आ रहा है 377.1, ठीक है बिल्कुल सही है। चलिए अगला हमारे पास है फिफ्थ मंथ नंबर ऑफ बल्ब फेल्ड इन फिफ्थ मंथ 1000 इंटू देखोगे 20% है 0.20 377 बल्ब पिछले महीने लगाए उसका 10% प्लस उससे पिछले महीने हमने कितने लगाए हैं 281 उसका 15% उससे पिछले महीने हमने लगाए हैं 160 का 25% और उससे पहले हमने लगाए हैं 100 का हो गया हमारे पास 30% कितना हो जाएगा 200 प्लस 37.7 प्लस 281 का हमारे पास 15% 42.15 प्लस 40 प्लस 30 टोटल ऐड कर देंगे 349.85 अप्रोक्सीमेटली 350 सभी का ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 350। चलिए सबका सही है, ये तो हमने हर महीने इंडिविजुअली निकाल लिया। अब हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा कि ग्रुप रिप्लेसमेंट हमारे पास एक का कॉस्ट अगर मैं कभी भी अगर रिप्लेस सारा का सारा 1000 बल्ब रिप्लेस करूंगा तो मेरा 2.5 रुपए के रेट से तो 2500 का कॉस्ट आएगा
तो चलिए अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट में सबसे पहला हमारा मंथ, टोटल 5 मंथ है, 1, 2, 3, 4, 5। अब सबसे पहले नंबर ऑफ बल्ब इंडिविजुअली फेल, नंबर ऑफ बल्ब इंडिविजुअली फेल, हमने निकाला है। पहले फर्स्ट मंथ में 100 है, सेकंड मंथ में 160 है, थर्ड मंथ में हमारे पास 281 है, अगला हमारे पास 377 है और 150 है, सॉरी 350 है, 350 यही है ना हमारे पास। फर्स्ट मंथ में है, फर्स्ट मंथ में 100, 160, 281, 377 एंड 350। अब देखो हमें टाइम इंटरवल निकालना है, तो वन मंथ में यानी कि फर्स्ट मंथ में 100 है, सेकंड मंथ में 160 है, अगर 2 मंथ का इंटरवल होगा तो फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ टोटल ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए क्यूमुलेटिव निकालने पड़ेंगे। क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बल्ब फेल्ड, हंड्रेड, 260 प्लस 241, ये हो जाएगा 541, आ जाएगा 260 प्लस 281, 541 प्लस 377, 918 प्लस 350 कितना हो जाएगा, 1268। अब इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या 10 रुपए का रेट से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, 100 × 10 1000 रुपए हो जाएगा, 260 × 10 2600 हो जाएगा, 541 × 10 5410 9180 एंड 12680। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलोगे, यहां तक क्लियर है सभी का? चलिए अब आते हैं ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपके पास ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपके पास टोटल 1000 बल्ब है, टोटल 1000 बल्ब है, उसे आप अगर सारा का सारा बल्ब एक बार रिप्लेस करते हो तो 2 रुपीज 50 पैसे पर बल्ब है, यानी कभी भी रिप्लेस करेंगे सारा बल्ब तो 2500 रुपए का खर्चा आएगा, कभी भी रिप्लेस करेंगे, या 1 मंथ में करो, या 2 मंथ के इंटरवल पे करो, या 3 मंथ के इंटरवल पे करो, या 4 मंथ के इंटरवल पे करो, आपको क्या करना है, कितना कॉस्ट आएगा, 2500 रुपए का ही कॉस्ट आएगा ना, यानी 2500। अब टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 × 2500 3500, 2600 प्लस 2500 5100, 2410 प्लस 2500 ये आ जाएगा 7910, 7910 ये हो जाएगा हमारे पास 11680, और ये हो जाएगा हमारे पास 15180। सबका ही आ रहा है, सबका ही आ रहा है, चलिए अब एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि देखोगे जरा एवरेज क्यों निकालना पड़ रहा है हम लोगों को,
या एक महीने का खर्चा है, या दो महीने का खर्चा है, या तीन महीने का खर्चा है, या चार महीने का खर्चा है, या पांच महीने का खर्चा है। जब आप खर्चा मंथ बढ़ रहा है तो खर्चा आपका भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर कंपेयर करना है तो मुझे एवरेज कॉस्ट लेने पड़ेंगे। तो एवरेज कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, 3500 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 3500 हो जाएगा, 5100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2550 आ जाएगा, 7910 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 11680 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 15180 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। फटाफट डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। सबका ही आ रहा है, चलिए सबका ही आ रही है। अब आप चेक करके बताओगे कौन सा मंथ हमें रिप्लेस करना चाहिए। अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी लेंगे, कौन सा लेंगे, हमारे पास सेकंड मंथ देखो सबसे कम कॉस्ट है, सेकंड मंथ सबसे कम कॉस्ट है, सेकेंड मंथ इज मिनिमम कॉस्ट। हेयर एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर मंथ इज लोअर इन सेकेंड मंथ, सो ग्रुप रिप्लेसमेंट कैन बी कंसीडर्ड इन एवरी टू मंथ इंटरवल। इंटरवल ये तो हमने निकाल लिया ग्रुप रिप्लेसमेंट का, दो महीने के अंतराल पे लेंगे। अब कंक्लूजन हमें देना है, ब्रेकडाउन इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर मंथ इज हाइयर देन is higher than average replacement cost for every 2 month interval, every 2 month interval. So group replacement policy is better than individual replacement policy. क्लियर है सभी को यहां तक? यह आपका है रिप्लेसमेंट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके कर दूंगा आज मैं कर दूंगा उस पर ग्रुप में कर दूंगा।
क्लियर है सभी को? ये आपका यूनिट नंबर जो सिक्स था वो आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोग अब अपने जो आईसीआई का मॉड्यूल है उस मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस कर सकते हो, और मैं अपना जो मॉड्यूल आप लोगों को जिन लोगों ने लिया था तो उसको भी कर सकते हैं, और मैं ऐसे मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोग। सभी लोग को नीड है या नहीं है वो भी तो पता नहीं लगता है ना कि कौन कौन लोग एग्जाम दे रहे हैं, ये सारी चीजें। चलिए अब अगला हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थियोरेटिकल ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन कभी भी छोड़ा नहीं जाएगा, आपके पेपर में होंगे ही होंगे, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग इस यूनिट को अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसके बाद जो अगला यूनिट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत सारे डेफिनेशंस एमसीक्यूज के लिए बहुत सारे आपको कैलकुलेशंस होंगे वो भी आपको पूछा जा सकता है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कह सकता है। चलिए हम लोग अब डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यह टॉपिक तो नहीं हुआ ना आप लोगों का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शायद नहीं हुआ होगा। बोलिए आप लोग बताइएगा मेरे को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं होगा, यूनिट नंबर फाइव आप लोगों को नहीं हुआ होगा। चलिए, और इसमें से आप लोगों का प्रैक्टिकल जो था दो, इस दो में से कम 10 से 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 10 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल इसमें से मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट से रहेगा आपको प्रैक्टिकल थ्योरी मिलाकर, और 10 मार्क्स का कम से कम इसमें से भी रहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट? सबसे पहले बात आती है प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्ट का मतलब हमारे जैसे ही वर्ड में प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि बहुत बड़ा काम, कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्क, जैसे ब्रिज बनाना, रोड बनाना, ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट के जैसे एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज जिसमें इन्वॉल्व होता है, और उसको कैसे हम लोग कंप्लीट करें एक प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट का मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट को कहते हैं कि प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज, एक एक्टिविटीज नहीं है, सेट ऑफ एक्टिविटीज है, और जॉब्स दैट आर परफॉर्म्ड इन ए सर्टेन सीक्वेंस, उसे सर्टेन सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाएगा, जो डिटरमाइन यानी कि डिटरमाइंड लॉजिकली एंड टेक्नोलॉजिकली। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिसको परफॉर्म करना है वो कैसे होगा एक लॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद उसको कंप्लीट करेंगे इन ए स्पेसिफाइड टाइम, इन ए स्पेसिफाइड कॉस्ट एंड मीटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, यानी क्वालिटी पे भी हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आप देखोगे दिल्ली मेट्रो ट्रेन का, दिल्ली मेट्रो ट्रेन का वर्क जब कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था,
तो क्या वह कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज था या नहीं? इसमें कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व है या नहीं है? अब एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वह या था, तो वह एक इसमें कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। आप देखोगे वैशाली टू द्वारका रोड, जो दिल्ली में होंगे वो तो दिल्ली के बारे में जानते होंगे, वैशाली टू द्वारका रोड, वैशाली से लेकर लक्ष्मी नगर तक आपको देखोगे, अगर मैं वैशाली से चल के आ रहा हूँ तो लक्ष्मी नगर तक आपको एबव ग्राउंड है मेट्रो, यमुना बैंक पे ऑन द ग्राउंड हो गया, यानी ग्राउंड पे है। लेकिन यमुना बैंक से जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं, यमुना रिवर क्रॉस करना है, यमुना रिवर क्रॉस करना है, फिर यमुना रिवर क्रॉस करने के बाद आप इंद्रप्रस्थ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में आपको देखोगे कि एबव ग्राउंड है, फिर दिन मंडी हाउस से हमारा अंडरग्राउंड हो गया। तो अब मान लिया जाए कि ब्रिज रिवर पे फॉर्म करने हैं, कंस्ट्रक्ट करना है, क्या ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज है कि नहीं है? कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज है। अब टनल बनाना है मंडी हाउस में, राजीव मंडी हाउस से लेकर राजीव चौक तक टनल बनाना है, या आप देखते हो हुडा सिटी सेंटर वाले में अगर देखते हो आप लोग, तो बहुत ज्यादा टनल है, तो बहुत ज्यादा टनल है उसमें, बहुत डिस्टेंस है उसमें, तो वहां कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जा रहा है। उस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज को किस तरीके से कंप्लीट की जाए, एक लॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर्म करते हैं, उस सीक्वेंस के आधार पर कौन सा वर्क मुझे करना है इसको क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे एंड देन शेड्यूलिंग करेंगे। प्लानिंग कर लिया कि हमें इस तरीके से यह काम, पहले यह वर्क होगा, इसके बाद यह होगा, इसके बाद यह होगा, ये मैंने अगर अरेंज कर लिया, अरेंजमेंट करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे, मतलब वर्क स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी हैव टू कंट्रोल कि मेरा डिले तो नहीं हो रहा है ना, तो डिले के लिए भी देखना पड़ेगा कि कंट्रोल भी की जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्लियर है आप लोगों को ये पॉइंट? किसी को? अब देखो जरा, अब बात आती है कि हमने प्लान कर लिया, हमारे पास है, हेलो, अगर हमारे पास हमने प्लानिंग अगर किया है, तो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क डायग्राम तैयार करते हैं। नेटवर्क डायग्राम क्या कहता है? हमने कहा कि जब आपके पास सेट ऑफ एक्टिविटीज है, तो कौन सी एक्टिविटीज कब स्टार्ट करनी है, पहले कौन सा होगा। अब मान लो कि वैशाली टू लक्ष्मी नगर की मैं बात करूं, तो देखोगे एबव ग्राउंड पे सबसे पहला काम क्या होगा, रूट तय होगा कि किस तरीके से हमें यह रूट लेकर जाना है एबव ग्राउंड पे लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पिलर का मार्क आउट करेंगे कि कितने कितने डिस्टेंस पे हमें पिलर हमें खड़ा करना है। उसके बाद पिलर का कंस्ट्रक्शन होगा, उस पिलर के कंस्ट्रक्शन के बाद आप ऊपर स्लीव्स लगाए जाएंगे, वह स्लीव्स क्या होते हैं, जिसपे हमारा रेलवे ट्रैक आता है, तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन कुछ वर्क कनेक्टेड नहीं भी हो सकते हैं। अब कुछ वर्क इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे पिलर खड़ा करके स्लेव लगाना और स्लेव लगाकर हम रेलवे ट्रैक को बिछाना, ये मेरा इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज हो गया। लेकिन अब मान लो कि एबव ग्राउंड पे हमें पिलर खड़ा करना, और वही मेरा यमुना रिवर पे पिलर खड़ा करना, दोनों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज हो जाएंगे, क्योंकि यमुना में पिलर खड़ा करने के लिए टेक्नोलॉजी अलग चाहिए, इक्विपमेंट अलग अलग चाहिए, मटेरियल डिफरेंट होगा, रिसोर्सेज मेरे अलग हो जा रहे हैं, तो वह मेरे लिए एबव ग्राउंड पे पिलर खड़ा करने से वह इंडिपेंडेंट वर्क हो गया, वहां पिलर खड़ा करना अलग हो गया हमारे पास,
अब उसी तरीके से टनल बनाना, मंडी हाउस में से स्टार्ट हुआ टनल बनाने का काम, तो टनल बनाने के लिए जो वर्क होगा वो पिलर खड़ा करने के काम से तो अलग होगा, जब वो अलग होगा तो इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसे ही चीज को हमें प्लान करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग जो वर्क है कौन कौन सा इंडिपेंडेंट है उसको कैसे शेड्यूल किया जाए, दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्लियर है, किसी को डाउट इस पॉइंट पे? चलिए अब देखोगे, अगर हम लोग प्रोजेक्ट में बात करते हैं तो नेटवर्क डायग्राम के बारे में भी हमें करना पड़ेगा बात, क्योंकि जब हम एक्टिविटीज को लॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करते हैं दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड नेटवर्क डायग्राम, यानी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज विच आर इंटर रिलेटेड दैट इज कॉल्ड नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क का मतलब ही होता है एक दूसरे से जो कैसे कैसे कनेक्टेड हैं उसको हम लोग वहां पे सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आप लोगों ने सीक्वेंसिंग यानी शेड्यूलिंग में भी किया होगा इस तरह का कुछ हल्का सा, शेड्यूलिंग में किया था आप लोगों ने कुछ? शेड्यूलिंग में हल्का नेटवर्क डायग्राम बनवाया जाता था, उसमें हमारे पास एक्टिविटीज होते थे वो अलग होता था उसमें। ओके कोई बात नहीं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क डायग्राम होता क्या है? इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज, दिस इज द नेटवर्क डायग्राम। और नेटवर्क एनालिसिस, हम डायग्राम बनाते हैं तो नेटवर्क एनालिसिस होता है। नेटवर्क एनालिसिस, इसमें मेथड अप्लाई करते हैं एमसीक्यूज, और आपको ध्यान रखना मैचिंग में नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं सीपीएम एंड पर्ट। सीपीएम इज क्रिटिकल पाथ मेथड, पर्ट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक एंड गर्ट। गर्ट हम लोगों का नाम याद रखना है, ग्राफिकल इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। और इसी में आपको, क्योंकि शेड्यूलिंग से रिलेटेड हो जाता है, तो आपको एक होता है गैंट चार्ट।
गैंट चार्ट इज ऑल्सो यूज इन ग्राफिकल, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी यूज होता है और शेड्यूलिंग में भी होता है गैंट चार्ट। ये भी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, नाम दिया गया है गैंट चार्ट, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Of scheduling of activities, ये सब नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। किसी को डाउट हो इस पॉइंट तक बताओगे जरा, नाम याद रखना है। अभी हम लोग क्रिटिकल पाथ और पॉट यानी कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक CPM और पॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। CPM और PERT के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रख लेना है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं आप चेंज कर सकते हो। आपको बिल्कुल MCQs में हो या आपको मैचिंग में हो, बिल्कुल आपको यूज होगा ही होगा। चलिए अब आगे हम लोग, अब मान लिया जाए कि अगर हम लोग, अगर कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करना है, देखो प्रैक्टिकली वर्क में, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग जब हम नेटवर्क एनालिसिस की बात करते हैं तो नेटवर्क एनालिसिस एक मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है। मतलब CPM में PERT एक तरीका मेथड्स हैं, यानी मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है जिसके द्वारा हम प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को जिसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करना होता है। जब आप नेटवर्क एनालिसिस करते हो तो स्टेप्स क्या क्या फॉलो की जाती है, ध्यान देना। स्टेप्स, सबसे पहला डिफाइन द वर्क, डिफाइन द वर्क, वर्क क्या है। उसके बाद सेकेंड में हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इस वर्क में कौन कौन से एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का बनाना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने कहा DMRC का प्रोजेक्ट, और DMRC में कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ मेट्रो ट्रेन, दिस इज द DMRC प्रोजेक्ट। चलो हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। वर्क मेरा हो गया कंस्ट्रक्शन, मान लो कि आप लोग लार्सन एंड टर्बो कंपनी का नाम सुने हुए, एल एन टी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, और बहुत सारी आजकल कंस्ट्रक्शन कंपनी आ गई हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वर्क करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसमें भी आप लोगों को नौकरी लग सकता है। और जॉब अगर उसमें लगता है तो आपको ये सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन वर्क है तो इस कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से काम एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगे, ब्रेक करोगे ना, हमें क्या करना पड़ेगा, रूट डिफाइन करने पड़ेंगे, रूट क्या होगा, उसके बाद पिलर का मार्किंग करेंगे कि कहाँ कहाँ पिलर मार्किंग होगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, स्लीव्स का जॉइंट करना, ये तो हमारे पास एबव ग्राउंड का हो गया। फिर ब्रिज के लिए होगा, यमुना रिवर पे ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है तो उसपे हमारे पास क्या करना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा कि नॉर्मल फ्लो में यमुना का क्या करंट है, वो क्या कंडीशंस है। उस केसेस में फ्लड होगा तो क्या कंडीशन आएगा, उसकी जो करंट स्पीड कितनी होगी, उसकी डेप्थ क्या है, डेप्थ में किस तरह का हमारे पास सैंड और मटेरियल्स, डेप्थ यानी कि रिवर के अंदर है किस तरह का ऑलरेडी सरफेस है, वो सारी डिपेंड के बाद आप क्या करते हो, पिलर बनाते हो, पिलर बनाने के बाद स्लीव्स लगाते हो। उसी तरीके से अगर आप टनल बनाओगे तो वहां पे टनल
बनाने के लिए कौन कौन से हमारे पास किस तरीके से कट करना है, कहाँ पे कितना कटिंग देना है, ये सारी चीजें हैं। अगर जहाँ मुझे मान लो कि कहीं कटिंग जाता होगा, जैसे मेट्रो स्टेशन बनाने हैं तो मेट्रो स्टेशन बनाने हैं तो वहाँ पे कटिंग स्पेस ज्यादा होगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम लोगों को वहाँ पे वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है, जो कहा जाता है एक्टिविटी। तो सबसे पहले जॉब को ब्रेकडाउन की जाती है और फिर ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एंड थर्ड स्टेप में हम लोगों को जो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा उसको लॉजिकली इंटीग्रेट करेंगे, लॉजिकली एंड टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेट करेंगे, मतलब नेटवर्क बनाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। एंड देन हमारे पास फोर्थ स्टेप में उसके बाद कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, या चार स्टेप्स के थ्रू हम कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। किसी को डाउट है बोलोगे, किसी को डाउट? चलिए अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ आप लोग बता सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव्स? सबसे पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होता है कि अगर कोई भी काम को हम वर्क और तैयार करें और शेड्यूल करें तो हमारे पास वर्क इफेक्टिव एंड एफिशिएंट की होगा। बिल्कुल सही है। चलिए मैं ये चाहूंगा कि मेरा समय कम लगे, समय कम लगे, पहला पॉइंट। देखो ध्यान से, हम लोगों को कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमें प्रोजेक्ट को सही समय पे कंप्लीट तो करना ही करना है, वो तो हमारे पास डेफिनेशन में कह रहा है, प्रॉपर स्टैंडर्ड मीट होने चाहिए, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव कहता है कि मिनिमम टाइम में कंप्लीट करना चाहिए, मिनिमम टाइम में कंप्लीट करना चाहिए, यानी मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल टाइम। सेकेंड थिंग इज मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। अगर टाइम मिनिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन करना है, आप मान लो किसी कंपनी में काम करोगे और वह कंपनी किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिया है तो उसकी कॉस्ट को तो आप मिनिमाइज करोगे कि नहीं करोगे? दैट इज द, आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ते हो आप, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बेसिकली किससे रिलेटेड है आपका? कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यह कहता है कि टाइम को तो कम करना ही करना है, कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा समय ज़्यादा लगेगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स, खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, हो सकता है कि हमें पेनल्टी मीट करना पड़े, क्योंकि आपके पास टाइम दे देगा कितने दिन में कंप्लीट करना है, और आप कंप्लीट नहीं करोगे तो पेनल्टी भी लग सकती है, लीगल पेनल्टी भी हो सकती है, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना होता है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ टाइम, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है कि कॉस्ट गिवन होगा, स्पेसिफाइड होगा, कॉस्ट स्पेसिफाइड है तो उस केसेस में, अगर कॉस्ट स्पेसिफाइड है तो हम क्या करेंगे, समय को कम करेंगे। मतलब हमने कहा, जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है कहा कि मैं आपको 5,00,000 रुपया दूंगा, आप इस काम को कंप्लीट कर दो, और आपने जजमेंट किया या मेरा लिए 5 लाख से ज्यादा का काम नहीं और आपने करना शुरू कर दिया, तो आप क्या चाहोगे, जितना जल्दी खत्म करके मैं उसको कंप्लीट कर दूं और मैं दूसरे काम पे लगूंगा। आप एक छोटा सा देखोगे, आप अपने घर पे वाइट वॉश कराने जाते हो तो अगर आप पर डे के हिसाब से आप
व्हाइट वॉश करने वाले को रखते हो तो आपको ज्यादा समय ले लेता है, लेकिन अगर वही उसके प्राइस फिक्स कर दो तो वो जल्दी से कंप्लीट करके निकल जाता है क्योंकि उसे दूसरा काम करना है। तो अगर गिवन कॉस्ट हमारे पास है तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, मिनिमम टाइम लगाएंगे। अगर टाइम कह दिया तो कॉस्ट मिनिमम करना है हमें, और हमें एक भी ध्यान रखना कि मेरा रिसोर्सेस आइडल ना हो। अब कहोगे रिसोर्सेस आइडल कैसे होगा, अब देखो जो मैंने एग्जांपल लिया डीएमआरसी प्रोजेक्ट का, अब एबव ग्राउंड मतलब लक्ष्मी नगर से वैशाली और राजीव चौक के आगे हमारे पास क्या है, एबव ग्राउंड है सारा। तो एबव ग्राउंड पे जो वर्क करना है हमें उसको हम अगर मैं आज स्टार्ट करूं और मैंने वैशाली से काम करते आए वैशाली तक लक्ष्मी नगर तक काम किया, फिर यमुना बैंक पे काम किया, फिर मैं पिलर खड़ा करना शुरू कर दिया यमुना बैंक पे, और पिलर खड़ा करने के बाद आगे हमने प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट से आगे बढ़ते हैं तो फिर हम टनल बनाना शुरू किया। अब देखो जरा यमुना नदी पे पिलर खड़ा करना और एबव ग्राउंड पे ना, ग्राउंड पे हमें पिलर खड़ा करना, दोनों के लिए टेक्नोलॉजी मटेरियल सारी चीजें इक्विपमेंट सब अलग अलग होंगे। जब अलग अलग हैं तो मैं उसको एक साथ काम क्यों नहीं कर सकता हूँ, अगर मेरे पास इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, अगर हमारे पास लेबर पड़े हुए हैं, मटेरियल पड़ा हुआ है, तो मैं रिसोर्सेज को क्यों आइडल करूँ। मान लिया कि मुझे 10 दिन काम करने में यहाँ पे पहुँचने में लगा, 10 दिन के बाद शुरू करूंगा मैं, तो 10 दिन बाद शुरू करूंगा उतने दिन तो आइडल हो गया मेरे पास। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं उसको आज ही शुरू कर सकता हूँ तो शुरू कर सकता हूँ। तो मेरा क्या हो गया, रिसोर्सेज का आइडलनेस बचेगा, वर्कर्स होंगे, सारी चीज आइडलनेस बचेगा, जिसके कारण हम और जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। किसी को डाउट इस पॉइंट तक, किसी को डाउट? चलिए तो आप 5 ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ टाइम, मिनिमाइजेशन ऑफ टाइम व्हेन गिवन कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट व्हेन गिवन टाइम, एंड मिनिमाइजेशन ऑफ आइडल रिसोर्सेस। ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। अब मान लो अगर मान लो कि आप टेंडर करते हो, मान लो आप कंपनी के तरफ से रिप्रेजेंट करने का और टेंडर भेजना है कंस्ट्रक्शन का काम में, तो जब आपसे जब कंस्ट्रक्शन काम के लिए बैंक कहेगा कि आप कितने दिन में कंप्लीट करोगे, आप कितने दिन में कंप्लीट करके मुझे दे दोगे, आप मिनिमम टाइम अपना निकाल के दोगे या मैक्सिमम टाइम निकाल कर दोगे? सभी लोग आंसर देना इसका, बहुत प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूं, आपको वर्क में भी अब होता है मैक्सिमम टाइम। कृति का आया है मैक्सिमम टाइम, और किसी का मिनिमम टाइम, वर्णिका, और किसी का सोचिए, उस पर आंसर देना चाहिए। दीपाली मैक्सिमम, बिल्कुल, देखो वर्णिका हम मिनिमम टाइम देंगे, ध्यान रखना आप मिनिमम टाइम से अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं मिनिमम टाइम दूंगा तो अगर मान लिया जाए कि मैं मिनिमम से मिनिमम नहीं जा सकता, अगर मैं मैक्सिमम टाइम दूंगा तो मैं उसको मिनिमम की ओर कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ऑलवेज हम कैलकुलेशन सबसे पहले अपना मैक्सिमम टाइम देखते हैं और देन उसको हमारे पास मिनिमम टाइम तक लेकर जाते हैं, तो रेंज दी जाती है इसमें, ठीक है। हमेशा कोई भी काम के लिए आप मिनिमम टाइम नहीं दो, आप मैक्सिमम टाइम दो, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और उस अगर मान लीजिए मिनिमम टाइम दे दिया 5 दिन में आपका मिनिमम टाइम और 5 दिन में कंप्लीट नहीं होगा तो क्या करोगे आप, और मैक्सिमम टाइम आपका 8 दिन है तो 8 दिन में वो कह रहे कि 8 दिन में दे दीजिएगा, तो आप कहोगे कि 8 दिन में मिल जाएगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपने 8 दिन का दिया तो 8 दिन के अंदर कंप्लीट कर लोगे। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, हमें कभी भी अगर टेंडरिंग करनी होती है तो ऑलवेज हम अपना मैक्सिमम कैलकुलेशन करने के बाद ही कोट करते हैं टाइम को,
कि कितना समय लगेगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं। चलिए अब हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नेटवर्क डायग्राम के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी होंगे उसको हम लोग ध्यान रखना होगा। टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क डायग्राम, टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क डायग्राम फर्स्ट इज इवेंट। बहुत कॉमन वर्ड होगा, देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे जो आप लोगों ने सुना भी है। व्हाट इज इवेंट, व्हाट इज इवेंट, कोई आंसर देगा इसमें? इवेंट इवेंट को क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच, द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच एनी एक्टिविटी स्टार्टेड और फिनिश्ड। इट इज डिनोटेड बाई सर्कल, इसे सर्कल से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों इवेंट इज डिनोटेड बाई रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एज सर्कल, और इसको हम लोग ये भी डिफाइन करेंगे। द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच एक्टिविटी स्टार्टेड स्टार्टेड कॉल्ड स्टार्टिंग इवेंट, या इसको हम कहते हैं टेल इवेंट। द पॉइंट ऑफ टाइम at which activity finished called ending event or head event। Event is symbolically represented as circle event is also called node। यह event का definition है। इवेंट क्या है? द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच एनी एक्टिविटी इज स्टार्टेड और फिनिश्ड, कॉल्ड इवेंट। बट द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच एनी एक्टिविटी इज स्टार्टेड, दैट इज अ स्टार्टिंग इवेंट। एंड द एक्टिविटी एट विच द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच एक्टिविटी एंडेड फिनिश्ड, दैट इज कॉल्ड एंडिंग इवेंट
ऑलवेज सर्कल से डिनोट करेंगे। बोलो किसी को डाउट, किसी को डाउट? चलिए अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिए जरा, क्या इवेंट टाइम कंजम्पशन करेगा या नहीं करेगा? टाइम कंजम्पशन, इवेंट कंज्यूम द टाइम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इवेंट कंज्यूम द टाइम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? सभी का ट्रू आ रहा है, ट्रू। और किसी का? सभी लोग बताइए, 14-15 स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पार्ट लीजिए इसमें क्वेश्चन में ताकि याद रहे। हमने क्वेश्चन कहा कि इवेंट कंज्यूम द टाइम, आपको क्वेश्चन में दे दिया है, इवेंट कंज्यूम द टाइम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू आ रहा है, सभी का ट्रू आ रहा है। वर्निका ट्रू, फॉल्स है ये आंसर फॉल्स है। इवेंट टाइम का कंजम्पशन नहीं कर रहा है, हमने लिखा है द पॉइंट ऑफ टाइम, हमने टाइम नहीं लिखा है, पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने कहा कि मैंने 12 बजे आपका क्लास स्टार्ट किया, 12 नून इज द पॉइंट ऑफ टाइम, and that 12 noon is not consume the time, event does not consume the time, clear hai? yahan rakhna point of time means bilkul aap, maine kaha ki 12 baje maine aapka class start kiya, to 12 noon is point of time and 12 noon is not a time consumption, क्लियर है सभी को? डाउट है तो बोलोगे जरा, ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर काम वर्क तो होगा, वो बाद में हम डिसाइड करेंगे कि किस में टाइम कंजम्पशन होगा। क्लियर है ना सभी को? अभी एक केवल कृति का ही आया है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आप इस पॉइंट को लिख लो, इवेंट डज नॉट कंज्यूम द टाइम, इवेंट डज नॉट कंज्यूम द टाइम। इसके बाद है अगला है, अब आते हैं एक्टिविटी पे, एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या होगा? वर्क इज टू बी डन, बिटवीन स्टार्टिंग इवेंट टू एंडिंग, स्टार्टिंग इवेंट एंड एंडिंग इवेंट। वर्क इज टू बी डन बिटवीन स्टार्टिंग इवेंट एंड एंडिंग इवेंट, इट इज डिनोटेड बाय एरो। एरो को हम बेंड नहीं कर सकते, कर्व नहीं बना सकते हैं। आप इस तरीके से एरो नहीं लगाओगे डायग्राम में, या इस तरीके का आप कभी भी नहीं लगाओगे, अगर लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। हमें ऑलवेज स्ट्रेट लाइन का एरो होना चाहिए। अब आप लोग आंसर बताओगे कि एक्टिविटी टाइम कंजम्पशन करेगा या नहीं करेगा? एक्टिविटी कंज्यूम द टाइम,
ट्रू और फॉल्स? एक्टिविटी कंज्यूम द टाइम, एक्टिविटी टाइम का कंजम्पशन करता है, इवेंट टाइम का कंजम्पशन नहीं करता है, यह ट्रू होगा, ये ध्यान रखना है। एक्टिविटी कंज्यूम द टाइम, वर्क इज टू बी डन बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग इवेंट। अब उस वर्क को कंप्लीट करने में कितना समय लगे लग रहा है, दैट इज द एक्टिविटी, वहां पे टाइम कंजम्पशन हो रहा है, तो लिखेंगे एक्टिविटी कंज्यूम द टाइम। Activity consume the time. अब देखोगे इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यह मान लिया हम लोग सर्कल के अंदर नंबरिंग देते हैं 1 और 2, इसे हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग इवेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टिंग इवेंट या टेल इवेंट। या टेल इवेंट कहते हैं। इसे हम लोग कहेंगे एंडिंग इवेंट या इसको हम लोग कहते हैं थर्ड इवेंट। थर्ड इवेंट और हम लोग इवेंट एक्टिविटी को जब एरो पे कोई डिनोटेशन होगा तो कैपिटल लेटर से लिया जाएगा। तो इसका मतलब ए इज डिनोटेड एज एक्टिविटी। अगर मैं ओनली वन कहूंगा, वन इज द स्टार्टिंग इवेंट, सिर्फ टू की बात करूंगा एंडिंग इवेंट, लेकिन इंटरवल के रूप में लिखूं 1 2 2, This is also the represented as activity. या activity A ही है हमारे पास, यानी activity को हम अगर arrow पे denotation दे रहे हैं तो capital letter में जो होगा वो activity होगा, अगर capital letter से नहीं दे रहे हैं, interval में दे रहे हैं, तो starting और ending event को लेकर चल रहे हैं, तो हमारा वो भी activity कहा जाएगा। 1 2 2 1 2 2 करने का मतलब वो activity जिसका starting event 1 है और ending event 2 है, या एक्टिविटी को डिनोट करता है। ठीक है, किसी को डाउट है यहां पे? चलिए अगला हम लोगों का मर्ज्ड इवेंट। मर्ज्ड इवेंट, मर्ज्ड इवेंट क्या कहता है, अगर कोई भी इवेंट जहां पे दो या दो से अधिक एक्टिविटी आकर मिलेगा वह इवेंट जहां पे दो या दो से अधिक एक्टिविटीज आकर मिलेगा, ज्वाइन करेगा या फिनिश होगा, तो उसे कहा जाता है मर्ज एक्टिविटी इवेंट। द इवेंट एट विच टू और मोर activities finished called
मर्ज्ड इवेंट। यहां पे कई एक एक्टिविटी आकर एंड हो रहा है, दिस इज द मर्ज्ड इवेंट। नेक्स्ट इज बॉस्ट इवेंट। The event at which two or more activities are started, दो या दो से अधिक activities start होगा उसे कहा जाएगा बस्ट इवेंट। इस तरीके से हो यहां तक किसी को डाउट? चलिए अगला हम लोगों का है, जब मोर देन वन एक्टिविटी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही एक्टिविटीज नहीं होता है, अब कौन सा एक्टिविटीज मुझे स्टार्ट करना है, उसको खत्म करने के बाद अगला कौन सा एक्टिविटीज स्टार्ट होगा, ये भी तो डिसाइड करना होगा। तो अगला है हम लोगों का प्रीडिसेसर एक्टिविटीज और सक्सेसर एक्टिविटीज। प्रीडेसेसर एक्टिविटी, प्रीडेसेसर एक्टिविटी द एक्टिविटी इज एट विच द एक्टिविटी एट विच Sorry, the activity that must be completed, the activities that must be completed immediately prior to another activity. Is called predecessor activity. अब देखो प्रेडिसेसर क्या कहता है कि वह एक्टिविटी जिसके कंप्लीट होने के बाद अगला कोई एक्टिविटी स्टार्ट होगा, तो जो कंप्लीट हुआ है तो उसे कहा जाएगा प्रेडिसेसर, और सक्सेसर एक्टिविटी which started immediately after one or more other activities. Are completed. Called successor.
जैसे मान लिया जाए पी एक्टिविटी तब स्टार्ट होगा जब ए कंप्लीट होगा। देख रहे हो एरो कहता है कि ए कंप्लीट होने के बाद ए का एंडिंग इवेंट से ही बी का स्टार्ट हो रहा है, मतलब बी विल स्टार्ट व्हेन ए कंप्लीटेड। अगर ए जब तक कंप्लीट नहीं होगा बी स्टार्ट नहीं होगा, तो ए इज इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ बी, या हम कह सकते हैं बी इज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए। इस पॉइंट्स के आधार पर कोई भी नेटवर्क डायग्राम तैयार किया जाता है, कोई भी नेटवर्क डायग्राम तैयार किया जाता है। इस पॉइंट तक किसी को डाउट है तो बोलोगे, इस पॉइंट तक किसी को डाउट? आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और डायग्राम तैयार करते हैं। एग्जाम्पल एक्टिविटी इमीडिएट प्रेडिसेसर ए एक्टिविटीज, किसका? इसका कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है और बी इसका कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है। सी का ए है और बी का डी, डी का बी है। डायग्राम ड्रॉ करना है, ड्रॉ डायग्राम। अगर लगता है आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो इसको, तो थोड़ा सा ट्राई करो और मुझे व्हाट्सअप करो कि क्या आंसर आप लोग दे रहे हो, ताकि और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर तो सबके पास है ही हमारा, तो आप लोग थोड़ा सा ड्रॉ करो, गलत हो या सही हो, आप थोड़ा सा यहाँ पे आप ले लो पेन जरा। गलतियां के लिए डरना नहीं है, गलतियां करोगे तभी यहाँ पे सही होगा। ड्रॉ करोगे जरा आप लोग, ए का कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है, बी का कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है, ए का कोई इमीडिएट, एक सी का ए है और डी का बी है। चलिए देखिए जरा, यहाँ पे ए और बी का कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है, मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हो गए। अगर यह इन दोनों यह दोनों इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं, तो इन दोनों को सेम पॉइंट ऑफ टाइम से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ से हमने ले लिया ए, यह ए एक्टिविटी हो गया और इसको हमने दे दिया बी। अब सी का इमीडिएट प्रेडिसेसर ए है, मतलब सी तब स्टार्ट होगा जब एंड ए होगा, तो ए का एंडिंग ए है। तो आप लोग इनिशियल स्टेज में क्या बनाओगे? आपने बनाया यहां से
सी, और यहां से डी का इमीडिएट प्रेडेसेसर बी है, मतलब डी तब स्टार्ट होगा जहां पे बी एंड हो रहा है, यह आपने बना दिया डी। अब बात आती है कि क्या हमारे पास यह सही होगा या गलत होगा। शायद आप लोगों का यही बना होगा, आप लोगों ने अगर ट्राई किया होगा तो यही बना होगा, बताइए तो जरा, यही बना था। नॉर्मली स्टार्टिंग में हम लोग ऐसा ही बना देंगे, लेकिन अब सोचने वाली बात है, क्या प्रोजेक्ट का एंडिंग दो अलग अलग दिन पे हो सकता है क्या, कि एक ही दिन एंड होगा? सोचने वाली बात है, क्या प्रोजेक्ट का एंड दो दिन होगा? सी अलग दिन कंप्लीट हो रहा है और डी अलग दिन कंप्लीट हो रहा है, तो क्या दो एंडिंग होंगे? हमेशा प्रोजेक्ट का एंडिंग सिर्फ एक होगा, क्लियर है? तो अगर हम लोग इस डायग्राम को ऐसे ना दिखाकर हम लोग क्या दिखाएं इसको, यहां से हमारे पास एक्टिविटी ए आ गया, ये एक्टिविटी बी आ गया। अब दो एंडिंग ना दिखाकर हमने क्या किया कि यहां से सी दिखाया और यहां से डी, और दोनों का एक एंडिंग दिखा दिया, ये हमारा डी हो गया। दिस इज द राइट आंसर। इस तरीके से सोचना है, दो एंडिंग कभी भी नहीं देना है, आपका आंसर ये होगा। बोलो, किसी को डाउट है अब इस पॉइंट पे? चलिए अगला हमारे पास है, अगला एग्जांपल ले रहे हैं, जरा आप लोग भी ड्रॉ करिएगा। अगला एग्जांपल एक्टिविटी इमीडिएट प्रेडेसेसर ए का, कोई एक्टिविटी इमीडिएट प्रेडेसेसर नहीं, बी का ए है, सी का भी ए है, डी का बी है और ई का सी है। अब जरा ड्रॉ करोगे, ड्रॉ द डायग्राम। ड्रॉ द डायग्राम। फटाफट आप लोग ड्रॉ करिए। मैच करो जरा आप लोग, क्या करेंगे? ए का इमीडिएट प्रेडेसेसर कोई नहीं है, ए एक्टिविटी, और बी का इमीडिएट प्रेडेसेसर ये है, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा बी, और यहीं से सी निकलेगा। बी का इमीडिएट प्रेडेसेसर बी है, और देखो ई का, डी और ई के बाद कोई नहीं है, तो ये दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, या डी हो जाएगा या ई हो जाएगा, यही आ रहा है आंसर सभी का।
सही आ रहा है। चलिए अब हम लोग कुछ अपने बुक से भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक शुरू होगा उसमें क्रिटिकल पाथ, LST, EFT, LFT, EFT, टोटल फ्लो एक कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हम लोग को 2 क्लास और लगेगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाकी बचेगा हम लोग SM करेंगे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस बुक का देखते हैं जरा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग घर पे कर लीजिएगा इसको, जरा इसको आप लोग घर पे करेंगे, होमवर्क में रखिए। इसको डायग्राम थोड़ा सा बनाना सीखना पड़ेगा इसमें। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 देखो क्या हुआ। बिगिनिंग इवेंट 1 और एंडिंग 2, तो 1 to 2 इज एक्टिविटी, 1 to 3 इज एक्टिविटी, 2 to 4 इज एक्टिविटी, 3 to 4 इज एक्टिविटी, 3 to 5, 4 to 6 एंड 5 to 6। इस तरह का अगर हमारे पास होगा डेवलप नेटवर्क डायग्राम, देखो कैसे बनाओगे। हमारे पास 1 to 2, 1 to 3, मेरा एक इवेंट 1 है, 1 to 2 और 1 to 3 हमने बना लिया। देखो 2 to 4, 3 to 4, तो 2 to 4 अगर मैं लेता हूं तो 3 to 4 भी हमें लेना पड़ेगा, 3 to 5, 3 to 5 3 से निकलेगा यहां से, 3 to 5, 4 to 6 और 5 to 6। किसी को डाउट इस पॉइंट तक के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 करना है आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जरा। देखोगे ए बी सी तीनों का कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है, दे आर द इंडिपेंडेंट। सी का इमीडिएट प्रेडिसेसर ए है और ई का इमीडिएट प्रेडिसेसर बी है और एफ का इमीडिएट प्रेडिसेसर सी है और देखो जी का इमीडिएट प्रेडिसेसर 2 है। ध्यान देना, जी का इमीडिएट प्रेडिसेसर 2 है, मतलब जी वहां से स्टार्ट होगा जहां पे डी और ई दोनों मर्ज किए हुए होंगे। यानी ध्यान रखना, जब डायग्राम बनाओगे तो जी का जो स्टार्टिंग इवेंट होगा वहां डी और ई दोनों का करंट होना चाहिए, और एच हमारे पास क्या होगा, एच का भी हमारे पास एफ और जी एंडिंग में है, सॉरी इमीडिएट प्रेडेसेसर है, तो एफ और जी भी मर्ज होना चाहिए। यानी जहां पे देख रहे हो दो या दो से अधिक होंगे तो इन दोनों एक्टिविटीज को हमें क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। तो चलिए ए बी सी तीनों का इमीडिएट प्रेडिसेसर कोई नहीं है,
तो एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी हेलो जी जी और सी को भी हम लोग यहां से ले लेंगे इसको। अब क्या करना है, डी का इमीडिएट प्रिडिसेसर ये है, तो डी देखोगे अब यहां ध्यान रखना, आप एक ही जगह नहीं ध्यान है, डी और ई मर्ज होने चाहिए, और ई का इमीडिएट प्रिडिसेसर बी है, ई किसका इमीडिएट प्रेडिसेसर है, ई का और डी का, ये दोनों है, तो यहां से डी निकलेगा और यहां से ई निकलेगा, दोनों को हमें मर्ज करना होगा। उसके बाद सी से एफ आएगा, तो यहां से हम लेंगे एफ, और जी कहां से निकला, डी और ई से, तो जी डी और ई से निकलेगा, तो एफ और जी मर्ज होना चाहिए, तो ये हमारे पास ये मर्ज हो गया, यहाँ पे यहाँ हो गया हमारे पास जी, और यहां से यह एच हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलोगे इस पॉइंट पे, किसी को डाउट, इसी तरीके से अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखोगे। अब यहाँ टाइम दिया हुआ है, आप पहले क्या करोगे एक्टिविटीज, यानी कि पहले क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम तैयार करेंगे, जैसे 1 2 2 1 2 3, 1 2 2 1 2 3, 2 2 4, 3 2 4, इस तरीके से डायग्राम तैयार करेंगे, और यह टाइम का काम क्या होगा, जहां जिस जिस एक्टिविटीज है उसके ऊपर टाइम प्लॉट कर देंगे, जैसे यहाँ 4 और 1 2 3 में हमारे पास 1, इस तरीके से 2 2 4 में 1, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे प्लॉट करेंगे, 3 2 4 में 1, इस तरीके से टाइम प्लॉट कर देंगे। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, केवल टाइम, जैसे डायग्राम तैयार किया और जिस एक्टिविटीज का है उसके एरो के ऊपर हमें क्या लगाना है, टाइम लगाना है। यह हो जाएगा सभी का, यहां तक क्वेश्चन कर सकते हो, टाइम का प्लॉटिंग करना होगा उसमें। अगर कोई डाउट हो तो बोलोगे, कोई भी अगर मन में शंकाएं हो रही है कि नहीं हो पाएगा तो उस केसेस में हम प्लॉट कर देंगे। हो जाएगा सभी का,
चलिए अब आते हैं हम लोग अगला हम लोगों का पाथ। अब पाथ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या कहते हैं पाथ? कोई भी हमारे पास जो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हैं इन अ नेटवर्क डायग्राम इज कॉल्ड पाथ। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन ए नेटवर्क, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन ए नेटवर्क डायग्राम इज कॉल्ड पाथ। इज कॉल्ड पाथ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन नेटवर्क डायग्राम इज कॉल्ड पाथ। अब कहोगे कि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज क्या क्या होंगे, ध्यान दोगे जरा। यही मेरा एग्जाम्पल है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज क्या क्या हो गया हमारे पास एग्जाम्पल। इसको अगर हम लेते हैं, इसका पाथ क्या होगा? पहला एक्टिविटीज ए, बी और डी। एक पाथ ए हो गया, देखो एरो जिस तरीके से एंडिंग तक चलता है। दूसरा क्या हो गया? ए, सी और ई, दे आर द पाथ। इसको क्या कहेंगे हम? पाथ कहेंगे। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन अ नेटवर्क डायग्राम इज कॉल्ड पाथ। किसी को डाउट इस पॉइंट पे? पाथ का मीनिंग समझ में आ गया कि जो भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है नेटवर्क डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज अ पाथ। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ पाथ विच हैज लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन, विच हैज लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन। कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। या हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन नेटवर्क डायग्राम विच हैज लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन। इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। The activity involved in critical path is called critical activities. Is called critical activities. इज कॉल्ड क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्रिटिकल एक्टिविटीज कैन नॉट बी डिलेड। क्रिटिकल एक्टिविटीज
कैन नॉट बी डिलेड, क्रिटिकल एक्टिविटी को हम लोग डिले नहीं कर सकते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज को हम लोग डिले नहीं करेंगे। अगर क्रिटिकल एक्टिविटीज को डिले करेंगे तो मेरा इंटायर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारे पास चेंज हो जाएगा, वह यानी इंटायर ड्यूरेशन हमारा बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्रिटिकल एक्टिविटीज हमें डिसाइड करना होता है कि कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं जिसका हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा नहीं सकते हैं, तो उस केसेस में हम उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज, जिसको हम बढ़ाएंगे नहीं, उसको हमारे पास ध्यान रखना पड़ेगा, उसको सही समय पे कंप्लीट करने होंगे। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, क्रिटिकल पाथ का कैलकुलेशन करेंगे, फिर LST, EST, LFT कंप्लीट करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रैशिंग करेंगे और थोड़ा सा पर्ट का पार्ट है, दोनों कंप्लीट कर लेंगे, क्रैशिंग और पर्ट दोनों। यानी हम लोग का ये पार्ट हमारा OM वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा दो से तीन क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अब किसी को डाउट है तो बोलोगे? यस, शेयर कर देंगे उसको आज। और किसी को डाउट? तो आप लोग थ्योरी भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो इसको आज डेफिनेशंस कराए हैं उसको आप लोग लर्न कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप लोग लर्न कर लें। इसमें से आपको MCQ और मैचिंग तो रहेगा ही रहेगा, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। मैं शेयर कर दूंगा आज।